सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्रंट एंड जॉन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या मिनिमम टॉपिक्स रिक्वायर्ड हैं एक जॉब लेने के लिए इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जॉब लेने के लिए आपको कितनी मिनिमम चीज़ें रिक्वायर्ड है लर्न करने की, तो उसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपने फ्रंट एंड सीखना अभी स्टार्ट किया हो और आप अभी बिगिनर हो, लेट्स से अभी आप कॉलेज में हो, आपने अभी फ्रंट एंड सीखना स्टार्ट किया है, देयर आर द टू केसेस। इन द फर्स्ट केस, पहले केस में आप एक बिगिनर हो, आपका प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है, आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हो। और एक दूसरा केस आता है जिसमें लोग अदर टेक्नोलॉजी पर काम कर चुके हैं बट उनको फ्रंट एंड में इंटरेस्ट है, वो फ्रंट एंड में आना चाहते हैं, राइट। सो लेट्स टॉक फर्स्ट फॉर द फर्स्ट केस। इफ यू आर अ बिगिनर इन एंड यू आर इन द कॉलेज, देन हाउ मच मिनिमम टॉपिक्स आर रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट जॉब। सो इफ यू टॉक बिफोर टू 2020, सो उस टाइम क्या होता था कि आप HTML, CSS और JS पढ़ लेते थे तब भी जॉब लग जाती थी, बट आज के समय में इन 2024 दिस इज वेरी required to learn at least one front-end framework with HTML, CSS and JS. HTML, CSS, JS plus one front-end framework. This is the need of today market if you want to get the job as a front-end developer. और front-end development आपको सीखना क्या है, अगर आप front-end start करते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है आपको। As all you will be already know that HTML, CSS और JS फ्रंट एंड का बेस है। कोई भी चीज़ अगर फ्रंट एंड में बिल्ड होती है या फ्यूचर में आती है तो वो इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनती है, HTML, CSS एंड JS। कोई भी चीज़ इससे बाहर नहीं आती है। आप अगर रिएक्ट की बात कर लो, वो भी जावास्क्रिप्ट से बना हुआ है। रिएक्ट की बात कर लो, टाइपस्क्रिप्ट की बात कर लो, हालांकि वो टाइपस्क्रिप्ट एक सुपरसेट है ऑफ जावास्क्रिप्ट, बट वो भी अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट ही है। एंगुलर की बात करें तो वो भी जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है, राइट। व्यू जेएस की बात कर लो, एंगुलर जेएस ले लो, एंगुलर 10 ले लो, जो भी ले लो, मतलब फ्रंट एंड में जितनी भी फ्रेमवर्क्स आते हैं, सीएसएस की फ्रेमवर्क हो गए या फिर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क हो गए, वो चीज़ें सारी डिपेंडेंट हैं HTML, CSS एंड JS पे। अभी आपका टेलविंड ले लो, टेलविंड CSS पे आपका, अगर आपको CSS अच्छे से आती है तो टेलविंड सीखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, राइट। So HTML, CSS and JS should be your base, and this is the base, and you have to strong your base first. HTML, CSS और JS आपका strong होना चाहिए अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आप मास्टर होना चाहते हो, तो HTML, CSS और JS strong होना मस्ट है। Once you have done HTML, CSS and JS, then इसके बाद क्या करना है आपको। अगर आपने HTML, CSS, JS के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब मैं HTML, CSS, JS में कुछ भी बना सकता हूं, तो आपको क्या करना है कि आपको स्टैटिक पेजेस बनाने हैं HTML, CSS, JS में। JS को एक बार अभी के लिए थोड़ा साइड में रखना है, लेट से HTML, CSS थोड़ा इजी होता है, तो उन पे क्या करना है कि HTML, CSS अगर आपने पढ़ लिया है तो अब इस पे क्या करना है कि आपको लैंडिंग पेजेस बनाने हैं, लैंडिंग पेजेस विथ रिस्पॉन्सिवनेस, राइट। अगर आपने रिस्पॉन्सिव, अगर मीडिया क्वेरी में हो सकता है कि, क्योंकि जब मैं पढ़ा था तो मीडिया क्वेरी में मुझे प्रॉब्लम आती थी समझ में, तो उसमें मैं क्या, उसमें मैं मुझे रिस्पॉन्सिव बनाना नहीं आता था, तो मैं इसमें बोर्ड स्टैप का यूज़ कर लेता था। बट आपको डायरेक्टली फ्रेमवर्क पे नहीं जाना है, आपको पहले HTML, CSS और JS स्ट्रॉन्ग करना है। और लेट से आपने HTML, CSS पढ़ लिया, अब आपको इस पर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जितने हो सके आपसे उतने प्रोजेक्ट बनाने हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप यूट्यूब से देख के बना लो कि एटलीस्ट 10-20 प्रोजेक्ट आप HTML, CSS बना लो, स्टैटिक वेबसाइट्स बना लो, कुछ भी आपके माइंड में जो भी आ रहा है, राइट। से आपने आपका खुद का एक पर्सनल पेज बना लिया, अपने पेरेंट्स का एक पर्सनल पेज बना दिया आप, फिर आप इन चीज़ों को जब बनाते जाओगे ना तो आपको खुद इंटरेस्ट आएगा इन सब चीज़ों में। आप अपने स्कूल का जिस स्कूल में आपने पढ़ रखा हो उसका एक स्टैटिक पेज बना दो, उसको गूगल मैप का जो प्रोफाइल आता है बिजनेस पेज वाला उस पर लिंक कर दो,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब आप करोगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा इन सब चीज़ों को पढ़ने में। जब ये सारी चीज़ें आपकी विजिबल होंगी, लेट्स से अगर आप अपने स्कूल का बिजनेस प्रोफाइल बना के उसमें अपनी एक वेबसाइट, सेटिंग वेबसाइट गिटअप पे जिस पे होस्ट करके या फिर ब्लॉग स्पॉट पे होस्ट करके आपने उसको लिंक कर दिया, तो जो आपके स्कूल वाले दोस्त उसको देखेंगे या फिर आपके स्कूल वाले देखेंगे उस पेज को कि आपने ये बना रखा है, तो एक एक सेटिस्फेक्शन आता है ना, एक अच्छा चीज़ें अच्छी लगती हैं आपको खुद को अंदर से, और एक आपको कॉन्फिडेंस आता है फिर धीरे धीरे। और तो ये चीज़ हुई, एक बार आपने जब HTML CSS में आपने प्रोजेक्ट बना दिया, सिंपल प्रोजेक्ट, स्टैटिक पेजेस और स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट भी काफ़ी ईजी होती है, उसमें सेट ऑफ पेजेस ही होते हैं स्टैटिक पेजेस में, स्टैटिक पेजेस के कलेक्शन वही होते हैं। आप अगर कोई वेबसाइट बनानी, लेट्स से आप कोई स्कूल की वेबसाइट ही बनानी है, तो उसमें क्या करना होता है, उसमें एक होम पेज बनाओगे, एक अबाउट पेज बना दोगे, कॉन्टैक्ट अस पेज बना दोगे, क्या क्या कोर्सेज वहाँ पे चल रहे हैं, कहाँ तक पढ़ाई होती है, वो चीज़ें आपने बना दी, ठीक है। तो आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हो उन सब पे आप वेबसाइट बना सकते हो फॉर अ प्रोजेक्ट, राइट। एक बार आप जब इन सब में एक्सपर्ट हो गए, लेट्स से आपने HTML और CSS में आप एक्सपर्ट हो गए, फिर आपको जंप करना है JS पार्ट, राइट। अब JS में आपको फ्रॉम बेसिक बेसिक क्लियर करना है प्लस डोम, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो मेन काम है वो डोम मैनिपुलेशन है, राइट। डोम मैनिपुलेशन आपने कर लिया, अब इसके बाद आगे नहीं बढ़ना, राइट। अब आपको इसी में जो है प्रोजेक्ट बनाने हैं, डोम मैनिपुलेशन कर लेना, राइट। कि आपने क्लिक पे टेक्स्ट चेंज कर दिया, जावास्क्रिप्ट और मीनू बना दिया, रेस्पॉन्सिंग मीनू बना लिया आपने, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे आपने न्यूज़ लेटर बना लिया, उसके क्रॉस पे क्लिक करने पे जाओ उसका सेक्शन ही हटा दिया, राइट। और किसी बटन के क्लिक पे एक सेक्शन आपने ऐड कर दिया, पॉपअप बना दिया, डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस आप जावास्क्रिप्ट के। इन सब चीज़ों को जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो, फिर आपको जंप करना है जावास्क्रिप्ट के अदर टॉपिक्स पे, लाइक जेसन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया, मैप हो गया, डिफरेंट इन सब के जितने मेथड्स हैं एरे में, जैसे एरे को कैसे मैनिपुलेट करना है, ऑब्जेक्ट को कैसे मैनिपुलेट करना है, उसमें प्रॉपर्टी कैसे ऐड करनी है, प्रॉपर्टी डिलीट कैसे करनी है, इन सब चीज़ों को आप मास्टर करोगे। और इन सब चीज़ों में क्या करना है, इन सब चीज़ों पे प्रोजेक्ट, इन सब चीज़ों पे भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है। जावास्क्रिप्ट में अगर आप प्रोजेक्ट की बात करें तो हम टास्क मैनेजर ले सकते हैं। टास्क मैनेजर में आपको क्या करना होगा कि आपने एक एरे ले लिया, उसमें जो भी टास्क एक इनपुट बना दिया, वहाँ से जो भी इनपुट हो रहा है उस सब पे आप उसको एरे में पुश करते जाओगे, और जो भी टास्क होगा वो इनर इस्तेमाल करके आप वो लिस्ट करते जाओगे, फिर क्रॉस पे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर आइटम को डिलीट करना है एरे में से। तो ये सब चीज़ें जब आप करोगे तो आपकी जो मैनिपुलेशन वाली और जो एनालिटिकल स्किल है, राइट, इसमें जो आपकी लॉजिकल लॉजिक जो है वो आपके बिल्ड होंगे, कि कैसे चीज़ें मैनिपुलेट करनी है, कैसे लॉजिक लगाना है किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस तरीके से आप पढ़ना है, ठीक है, HTML CSS JS। अब इन सब पे जब आपने प्रोजेक्ट बना लिया, फिर एक बार आप इसमें आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप एटलीस्ट आप वेब डिजाइनर वाली जॉब तो क्रैक कर ही सकते हो, राइट। अब इस सिचुएशन पे अगर आपको लगता है कि मुझे एक जॉब लेनी चाहिए, तो आप फ्रंट एंड वेब डिजाइनर की साइड जा सकते हो, राइट, क्योंकि वेब डिजाइनर में केवल HTML CSS JS पूछा जाता है। अब इससे एक स्टेप ऊपर की बात आती है, फ्रंट एंड डेवलपर अगर आज के टाइम में बनना है तो एटलीस्ट HTML CSS JS, एक CSS फ्रेमवर्क और एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क मस्ट होना चाहिए, राइट। हालांकि HTML CSS JS से भी ले सकते हो आप जॉब, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। अगर आप एक फ्रेमवर्क कर रखते हो और आपके रिज्यूमे में एक फ्रेमवर्क वाली स्किल, एक रिएक्ट जेएस या फिर एक CSS का फ्रेमवर्क एड है, तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने में थोड़ा इजी होगा। तो इस तरीके से आप एक फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब ले सकते हो, इतनी चीज़ें रिक्वायर्ड है टू गेट द फ्रंट एंड डेवलपर जॉब। बाकी इसमें दो ऑप्शन है, आप वेब डिजाइनर की साइड भी जा सकते हो, फ्रंट एंड डेवलपर की साइड भी जा सकते हो, वहाँ पे डिपेंड करना है कि आपको कितनी जल्दी जॉब लेनी है, आपके पास कितना टाइम है। लेट्स से कभी कभी क्या होता है कि हम फ्रंट फोर्थ ईयर में होते हैं, फाइनल ईयर में होते हैं,
तो उसमें क्या होता है कि हमें एक अर्जेंट नीड होती है कि फाइनल होते होते हमें एक जॉब लेनी ही लेनी है, राइट। तो इस तरीके से आप अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में घुस चुके हो और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो इस तरीके से चीज़ों को आप पढ़ सकते हो और एक फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब ले सकते हो। तो ये था कि कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब लेने के लिए। होप यू अंडरस्टैंड वेल। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ चीज़ों पे बात करेंगे, क्या फ्रंट एंड में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है लर्न करने के लिए, और लेवल बाय लेवल फ्रंट एंड डेवलप में हालांकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर एक प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको वन बाय वन आपको वन स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।